सब मेरे चैनल नूर्स किचन एंड फैशन टिप्स पर पहली बार दबाए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं इस बेल आइकन को, और साथ ही साथ अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी नूरुल हुदा एंड आई एम हियर विद द न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही सिंपल रेसिपी के साथ और न्यू स्टाइल में एग्स। आप इसको मसाला एग्स भी कह सकते हैं या फिर जो आपको दिल चाहे वो आप जो है अपना मनपसंद नाम इस रेसिपी को दे सकते हैं। सो रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार है खाने में। सो रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करेंगे, मगर स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप सब मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँगी ना, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगा और इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कमेंट डाउन बिलो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करे हैं 4 अदद अंडे। आपको जितनी क्वांटिटी में बनाने हो आप उस हिसाब से जो है एग्स कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 4 अदद एग्स के हिसाब से जो है मैंने यहाँ पर लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया चॉप हुआ हुआ। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है 1 अदद टमाटर, इसको मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 अदद हरी मिर्चें। आपको अगर स्पाइस ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्चें ज़्यादा कर लें, और कम पसंद है तो आप बेशक कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास है नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी। ये कितनी क्वान्टिटी में लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ। नमक हमने लेना है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर लेना है हमने 1/2 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च लेनी हमने 1/4 टीस्पून, और हल्दी भी लेनी हमने 1/4 टीस्पून। इसके अलावा जो है हमारे पास है चिकन पाउडर, इट्स टोटली ऑप्शनल, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बट इसका टेस्ट जो है इससे काफ़ी डिफरेंट आ जाएगा। सो आप सब एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सो ये जो है मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी। सो ये थे हमारे टोटल इन्ग्रीडियंट्स। तो अब जो है मैं क्या करूँगी, जल्दी से चलते हैं जी हम तवे की तरफ। तो तवे पे डालूंगी मैं बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि हमने इसको लेस इंग्रेडिएंट्स के अंदर हमने जो इसको बनाना है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ऑयल, और ऑयल गरम हो जाने के बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज, और प्याज को जस्ट हमने हल्का सा सौते करना है, बहुत ज़्यादा आपने इसको यू नो फ्राई नहीं करना है, हल्का सा सिर्फ गरम ऑयल में आपने इसको तकरीबन 30 से 35 सेकेंड के लिए आपने इसको फ्राई करना है, ताकि इसके अंदर प्याज थोड़ा सा क्रिस्पी रहे, तो वो क्रिस्पी जो ऑनियन होता है वो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप जो है इसको जस्ट थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्राई करें, और फ्राई करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो अभी जो हम इसको जल्दी से फ्राई करते हैं, और ये हो चुका है तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। और हरी मिर्च ऐड करने के बाद इसको आपने अच्छे तरीके से थोड़ा सा और मिक्स करना है, ताकि हरी मिर्च का जो अरोमा है वो थोड़ा सा आने लगे। तो अच्छे तरीके से बस हमने इसको 10 से 15 सेकंड के लिए मज़ीद मिक्स करना है, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी नमक। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप स्पाइसी जो हैं अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, या फिर इसमें से अगर आप सब कुछ स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब जो है हम ऑल स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो अब आप सब नोट कर रहे होंगे कि मैंने जो है स्टार्टिंग में ही इसको प्याज को मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करा, क्योंकि आगे चल के भी जब हम इसको मिक्स करेंगे तो प्याज आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चले जब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है हल्दी और साथ ही टमाटर ऐड कर दिए थे, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा गैप बनाना है ग्रेवी के बीच में, और इसके अंदर ऐड कर देने हैं आपने अंडे। और इस तरीके से जो है अंडे ऐड करने के बाद इसके ऊपर जो है आप डाल दें थोड़ा सा धनिया, अगर आप सब धनिया कम पसंद करते हैं तो बेशक आप कम ऐड कर दें, ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दें। तो मैंने जो है तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके ऊपर जो है धनिया ऐड कर दिया है, और साथ ही इसके अंदर डाल दिया है ओरिगानो, ये भी टोटली ऑप्शनल है, अगर आप सब डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये डालेंगे इसके अंदर, और साथ ही इसमें डाल देंगे हम चिकन पाउडर, और चिकन पाउडर ऐड करने के बाद जो है आपने बस इसको ज़्यादा नहीं मिक्स करना है एकदम से, आपने नीचे से आप देखेंगे कि एग्स जो है कुक होना स्टार्ट हो गए, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा सा इसको नीचे से अच्छे तरीके से आप इसको मिक्स कर लें। तो ये जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये ऑयल भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, और ये अच्छे तरीके से एग्स इसके अंदर कुक हो जाएंगे।
चलिए जी, यहाँ पर जो है एग्स हो गए हैं रेडी, और अब जो है हम इसको गार्निश करेंगे थोड़े से हरे धनिए के साथ। और अभी आप देख सकते हैं कि कितना यमी लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। सो आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए, और साथ ही साथ मुझे कॉमेंट करके बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और इसके अलावा अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं और इसकी पिक्चर आप सब मेरे साथ इंस्टा पर शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा की आईडी है ulhudanoor07। सो आप सब जो है मुझे इंस्टा पर इसकी पिक लेकर जो है DM कर सकते हैं। सो चलें जी, मैं इजाज़त चाहती हूँ और इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे होम, स्टे सेफ, सेव लाइफ, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।